रास्ता है, ये बस स्टॉप का है सामने बद्री घाट। पर्टिकुलर ये टी शर्ट्स लेना चाहते हैं, ये शुरू हो जाता है पुष्कर का मार्केट। अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा घाट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फर्स्ट कदम पर, जहां पर आपको मोर एंड मोर ट्रेवल रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। तो इस सीरीज में आज हम जो लोकेशन ऐड करने वाले हैं वो है पुष्कर। जी हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं अजमेर से पुष्कर। हम लोग पहुंच गए थे अजमेर रात में, तो कहाँ रुके वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ये जो आप लेक देख रहे हैं ये अजमेर में है और हम लोग जा रहे हैं बाय बस। तो अगर आप रोडवेज की बस से जा रहे हैं तो उसका किराया है 15 रुपीज़ फॉर पुष्कर, और अगर आप जा रहे हैं प्राइवेट बस से तो 20 रुपीज़ आपको देना रहेगा पुष्कर तक पहुंचने के लिए। सो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है अजमेर से लेकर पुष्कर का, एकदम ग्रीनरी और पहाड़ों वाला रास्ता है। तो यहाँ पर आपको राजस्थान में भी पहाड़ देखने को मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए आप पहुँच जाएंगे करीब 1 घंटे या 45 मिनट में पुष्कर। तो लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं पुष्कर बस स्टॉप। ये मारवाड़ बस स्टैंड है, यहाँ से हम लोगों ने जो होटल बुक किया था वो काफ़ी पास में है, इवन वॉकिंग डिस्टेंस पर है। बट क्योंकि हमारे पास सामान था तो हमने लिया यहाँ से ऑटो, और ऑटो से हम फटाक से पहुंच गए कहाँ, अपनी लोकेशन पे, मतलब अपने होटल में। होटल तक पहुंचने के लिए हमने 10 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से ऑटो को किराया दिया और हम पहुंच गए हैं हमारे होटल में। इस होटल का डिटेल मैं आपको बाद में देती हूं। जल्दी से फ्रेशन अप होते हैं और हम निकल पड़ते हैं पुष्कर घूमने के लिए, जो कि आप आगे देखेंगे। सो ये है इसका मेन एंट्रेंस एंड यहाँ से आपको मेन रोड पर ही ऑटो छोड़ेगा। ये मेन गेट हो गया एंड प्रॉपर यहाँ तक ऑटो आते हैं। हाँ, इस साइड से जो रास्ता है। और सामने हार्डली आपको 20 मीटर चल के आना रहेगा, और हाँ टोटल वहाँ तक पहुँचने में 50 मीटर, होटल से भी हम लोग 20 मीटर चले होंगे। और ये सामने आपको दिख रही है वो सामने बद्री घाट, तो बहुत ही पास में है, एडवांटेज है ये इस प्रॉपर्टी का। एंड जस्ट घाट से थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद ये शुरू हो जाता है पुष्कर का मार्केट, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर और कलरफुल सा मार्केट है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो मार्केट अच्छा खासा डेवलप है यहाँ का, और एकदम कलरफुल सी वाइब आएगी आपको। राजस्थानी कम हिप्पी टाइप जो मार्केट होता है उस टाइप की कुछ वाइब आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की कपड़े की मार्केट मिलेगी और काफ़ी अच्छे अच्छे इस टाइप के आपको जूट्स के आइटम्स भी मिलेंगे। अगर आप कुछ राजस्थानी प्रिंट की पर्टिकुलर ये टी शर्ट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये भी अवेलेबल है। हैं ब्रह्मा मंदिर की ओर, जो कि सामने ही है और थोड़ी सी दूरी पर है, तो सबसे पहले दर्शन करेंगे भगवान जी के। अब आपको मेन जो मार्केट है, मतलब मेन जो रो है ब्रह्मा मंदिर के सामने वाली, वहाँ पर लेकर के चलते हैं। और यहाँ पर आपको एक्चुअली अभी मॉर्निंग है, सुबह सुबह का समय है, तो बहुत सारी शॉप्स अभी ओपन नहीं हुई हैं या फिर हो रही हैं। सो आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे एक सामने लस्सी वाला है, जो हम पिछली बार आए थे तो वहाँ पर लस्सी पी थी। यहाँ से ले रहे हैं हम लोग प्रसाद, और यहाँ पर आप अपने फुटवेयर भी रिमूव कर सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, और आपको बहुत सारे लोग बुलाएंगे भी, जैसे नॉर्मली मंदिरों के आसपास बुला लेते हैं, तो आप अपनी चॉइस के अनुसार दुकान से प्रसाद ले सकते हो, रख सकते हैं अपने। और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है ब्रह्मा मंदिर, जिसके लिए पुष्कर फेमस है, और ये विश्व का सबसे प्रथम ब्रह्मा मंदिर है।
तो ये शुरू होता है ब्रह्मा मंदिर जाने का रास्ता। अभी सुबह है, अभी बज रहे, एकदम सुबह तो नहीं है, 9:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा खाली है। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ ये मंदिर। सिर्फ अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, कोई भी कैमरा अलाउ नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करते हैं। और हम लोग दर्शन करके आते हैं और आप सबके लिए प्रे करके आएंगे वहाँ पर भगवान जी से। सामने आप देख रहे हैं, ये है जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर। लोग दर्शन करने चले गए हैं, कुछ लोग बैग की के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि वापस फिर से वहाँ पर रखने जाना और फिर से आना थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो वेट करते हैं, अब हम थोड़ी देर बाद दर्शन करने जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले सावित्री माता के दर्शन किए जाते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन बिना सावित्री माता के दर्शन के पूरे नहीं होते हैं। सो हम सबसे पहले ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद सावित्री माता टेंपल जाएंगे कल, जो कि आपको कल दिखाने वाले हैं। सो अभी करते हैं ब्रह्मा मंदिर के दर्शन, क्योंकि हम इसके प्रोमाइसिस में ही हैं, और चूँकि फ़ोन ले जाना अंदर अलाउ नहीं है, और बाकी अगर आपके साथ जो शोल्डर बैग्स होते हैं वो हैं तो वो भी मंदिर में अलाउ नहीं है। आप अपना फ़ोन और नॉर्मल जो पर्स होता है वो कैरी कर सकते हैं, और फोन अंदर मतलब ऑन करना अलाउ नहीं है। ये यहाँ के रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, तो दैट वी हैव टू फॉलो। तो चलते हैं और हम लोग दर्शन करके आते हैं। हमारे हो गए हैं बड़े ही अच्छे से दर्शन, बहुत शांति में आज इस बार दर्शन हुए। पिछली बार थोड़ा सा हम लोगों को भीड़ मिली थी, बट इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। अब आगे चलते हैं और बाकी क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब हम जा रहे हैं ब्रह्मा घाट की ओर। ब्रह्मा मंदिर के पास में ही है ब्रह्मा घाट, आप वॉकिंग डिस्टेंस पर आराम से आ सकते हैं और दर्शन करेंगे अब पुष्कर सरोवर के। ब्रह्मा घाट को पुष्कर का सबसे फेमस घाट माना जाता है, और यहाँ पर लोग काफ़ी पूजा अर्चना और कुछ पाठ वगैरह भी करवाते हैं। पंडित जी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ दान दक्षिणा और पाठ वगैरह भी कर सकते हैं। ये है पुष्कर में ब्रह्मा सरोवर का घाट, जहाँ स्नान घाट स्पेशली, और पूजा करने का घाट अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्नान घाट यहाँ का, दो हमें अभी यहाँ पर स्नान तो नहीं करना है, बट हम थोड़ा सा जल छू के अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। ये देखिए सब लोग यहाँ पर अपने आप के ऊपर जल अर्पित कर रहे हैं ताकि शुद्ध हो जाएं सारे। स्लिपरी भी है ये। ओ भैया, आपको बहुत सारे ऐसे पंडित जी पूजा करते हुए दिखाई जाएंगे, जो कि पूजा के लिए है स्पेशल था, क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रही है और श्राद्ध में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा पर प्रार्थना वगैरह कराते हैं। तो अगर आपको वो कराना है तो इस घाट पर आना रहेगा। ये देखिए, ये है मेरे पीछे पुष्कर सरोवर, ये पूरा का पूरा आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग अभी एग्जैक्ट ब्रह्मा घाट पर ही हैं, तो यही है फेमस घाट ब्रह्मा मंदिर के बाद। आपको ब्रह्मा मंदिर घूमने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा पुष्कर शहर, जो कि इस पुष्कर सरोवर के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। और सामने आपको चारों ओर पहाड़ियाँ ही दिखाई देंगी, काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पर। ये देखिए, आप सामने देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ पूजा अर्चना हो रही है। तो दर्शन करने के बाद हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, और इस बार हमारी ये फैमिली ट्रिप है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो प्लान हमारा नेक्स्ट डे सावित्री माता टेंपल जाने का था वो हम लोग आज ही जाएंगे, क्योंकि हमें बताया है कि वहाँ पर सनसेट काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद हम लोगों ने खाए मालपुए, और थोड़ा सा घूमने के बाद मार्केट में एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग शाम को जाएंगे सावित्री माता टेंपल। तो वो वाला वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।